फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. लास्ट टाइम हमने बैलेंसिंग के हवाले से बात की थी. हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शंस जो थे उनको बैलेंस किया था यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर फर्दर वी टॉक्ड अबाउट द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, और एक वो रिएक्शंस थे जो बेसिक मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं. एसिडिक मीडियम के हमने अलग रूल्स देखे थे, और बेसिक मीडियम के अंदर हमने देखा था एसिडिक मीडियम में हम लोग प्रोटॉन्स और वाटर को ऐड करते थे बैलेंस करने के लिए, और इन बेसिक मीडियम्स हम हाइड्रोसाइड आइंस और साथ में वाटर ऐड करते थे फॉर बैलेंसिंग. टुडेज लेक्चर इज़ अ वेरी फंडामेंटल लेक्चर, वेरी बेसिक आई वुड से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के हवाले से. कंडक्शन जो वर्ड है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप एक मेटल का स्ट्रक्चर लो विच इज़ अ सिंपल मेटेलिक स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, राइट, एंड इन पॉजिटिव चार्जेस के इंटरमीडिएट जो स्पेसेस होती हैं यहाँ पे देर आर इलेक्ट्रॉन्स, रैंडमली प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग एट ऑल टाइम्स. ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करते, रादर दे बिलोंग टू ईच एटम, टू एवरी एटम एट द सेम टाइम. इस वजह से हम इनको कहते हैं दे आर डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. लोकल का मतलब होता है किसी एक मखसूस जगह से बिलोंग करने वाला, डी यानी उसको निगेट कर रहा है, नेगेटिव ऑफ लोकल. सो डीलोकलाइज्ड यानी किसी एक एटम से ये बिलोंग नहीं करते ये इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, सो इस किस्म के हम स्ट्रक्चर को कहते हैं दिस इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन होल्डिंग द पॉजिटिव चार्जेस टुगेदर. ये ऑरेंज में आपको पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं, ठीक है. दीज आर बेसिकली कैटाइन्स. दीज कुड बी एनी पॉजिटिव चार्जेस, ये नॉर्मली मेटल्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी सोडियम पॉजिटिव, और इट कुड बी पोटेशियम पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव. जो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एटम ने अपने छोड़े हुए होते हैं. अब कंडक्शन किस तरीके से होती है इन मेटल्स, दिस अगेन यू ऑलरेडी नो कि यहाँ से पीछे से जब कुछ मजीद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कैरी द करंट, राइट. एंड बट यू ऑल्सो नो कि ये जो बीच में पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं दे वाइब्रेट, बिकॉज सॉलिड स्ट्रक्चर काइनेटिक मॉडल आपने एक पढ़ा हुआ है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर आपने एक पढ़ा हुआ है, उसमें यह होता है कि जो जो टेम्परेचर ज़्यादा होती है उतनी ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. सो आप ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ये पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हिलेंगे. अब ये एक पॉजिटिव आइन अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को गुजरने में प्रॉब्लम होगा. इस वजह से ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो कम हो जाती है, यानी करंट जो है वो कम पास ऑन होता है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर. बेसिकली ये मेटेलिक कंडक्शन पढ़ाना ज़रूरी था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से पहले. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमेना. इसमें एक्चुअली वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर से करंट पास ऑन हो रहा होता है. इलेक्ट्रोलाइट हम किस चीज़ को कहते हैं, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जिसको अगर आप डिसॉल्व करो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन स्टेट के अंदर अगर वो सब्सटेंस पाया जाए, या वो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर पाया जाए. सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि मसलन आपने कोई सब्सटेंस लिया, मसलन लेट्स से सब्सटेंस कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल यू टुक शुगर, ठीक है. आपने अगर तो शुगर को सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया, शुगर के सॉल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व शुगर इन वाटर, ठीक है. कुछ पानी लो और उसके अंदर उसको डिसॉल्व कर दो. या तो आपने सॉल्यूशन लिया या फ्यूज्ड फॉर्म में लिया. फ्यूज्ड फॉर्म मींस मोल्टन, फ्यूज करने का मतलब होता है मेल्ट करना, ठीक है, पिघला देना उसको. या आपने शुगर को वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट करके उसको लिक्विड बना दिया, लिक्विफाई कर दिया, मेल्ट कर दिया. या तो आप सॉल्यूशन फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस लो या आप उसकी फ्यूज्ड फॉर्म लो, अगर इसके बाद उसके अंदर सलाहियत है करंट पास करवाने की, करंट अगर उसके अंदर से पास हो जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम एक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. आई रिपीट दिस डेफिनेशन,
कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया जाए, यानी वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर आपने उसको डिसॉल्व किया हुआ या फिर आपने उसको मेल्ट किया हुआ मोल्टन स्टेट के अंदर आपने लिया हुआ, अगर उसके अंदर से करंट गुजर जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब अगर आप शुगर की एग्जांपल लो, अब शुगर का मतलब तो किसी भी किस्म का शुगर हो सकता है ना, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट सुक्रोज जो हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं, चीनी। आप उसको पानी के अंदर डालो, ठीक है, एंड देन चेक वेदर करंट पासिस और नॉट। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है कि आपने जो चीनी वाला पानी है, मसलन मीठा पानी आपने एक ग्लास में डाला हुआ है, उसके एक तरफ आप यूं करके एक सर्किट बनाओ, ठीक है, उस सर्किट में यहाँ पे आप एक सेल अटैच कर दो। अगर घर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप यूं करोगे, जो 1.5 वोल्ट्स के सेल नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, 1.5 वोल्ट्स का जो सेल अवेलेबल होता है किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, उस सेल को आप यहाँ पे अटैच करो, उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये दो जो वायर्स आपने लेनी है कंडक्टर्स होंगे डेफिनेटली, और फिर आप इसको कनेक्ट करो यहाँ पे, आप यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दो एंड यूं करके आप सर्किट कंप्लीट कर दो। अगर तो ये बल्ब जो है वो स्लाइड से भी जल रहा है, इसका मतलब है कि करंट पानी के अंदर से होके यूं हो रहा है, यानी ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर तो ये कंडक्ट कर देता है देन यू वुड कॉल शुगर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, अदरवाइज शुगर वॉन्ट बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। और प्रैक्टिकली आप करके देखना, एक्चुअली शुगर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, शुगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। बट अगर आप नमक डाल दो NaCl एंड देन यू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, यू वुड कंक्लूड कि नमक के डालने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई एसिड डाल दो लिक्विड के अंदर तो उससे भी नॉर्मली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, दैट्स गुड। सो नाउ यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ आ गया किसे कहते हैं। अब एक और प्रोसेस होता है विच वी कॉल्ड आयनाइजेशन। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल लेक्चर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट इज़ अ वेरी बेसिक लेक्चर, इससे आगे वाले लेक्चर्स जो होंगे इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये वाला लेक्चर आता हो। आयनाइजेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर आप डिजोल्व करते हो किसी एक सब्सटेंस को इन वाटर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, मसलन आपने NaCl एक सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म के अंदर, आपने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया, इसकी वजह से क्या होगा कि Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव के आइंस अलग हो जाएंगे, यानी आइंस फॉर्म हो जाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ आइंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंड इट नॉर्मली टेक्स प्लेस व्हेन यू डिसॉल्व समथिंग इन अ मीडियम, इन एन एक्वस मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वाटर। सो दीज वर सॉलिड्स एंड ये आपके पास एक्वस फॉर्म के अंदर यानी इन वाटर डिसॉल्व फॉर्म में आपको आइंस मिलेंगे। इससे पहले भी मैं आपको काफी दफा क्लियर कर चुका हूं, रिएक्शन में और डिसॉल्यूशन में फर्क है। कुछ बच्चे इन दोनों बातों को मिक्स कर देते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि आपने NaCl को पानी के अंदर डालना है, इसका मतलब यह नहीं है कि पानी का और NaCl का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर पानी का और NaCl का आप वैसे रिएक्शन देखो, पानी इज HOH, इट मस्ट फॉर्म NaOH एंड HCl. Now it's a caustic soda, it's a very strong base and a very strong acid. This would be very dangerous. इसरा तो हम रोज पानी भी पीते हैं और नमक भी खाते हैं। So इससे पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसमें बेसिकली रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ ये हो रहा है कि सोडियम के गिर्द बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेंगे, उसके साइडों पे आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड डिसॉल्यूशन। और वाटर का जो पॉजिटिव वाला एंड है which is protons, वो क्लोरीन के सामने आ जाएंगे, और वाटर का नेगेटिव एंड which is ऑक्सीजन, वो सोडियम के सामने आ जाएंगे, ठीक हो गया। सो एनी थिंग विच इज नॉर्मली आयनिक कंपाउंड, उसको अगर आप पानी में डालो तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर। वी कैन डू वन और टू मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल यू टेक कैल्शियम क्लोराइड एंड यू डिजॉल्व इट इन वाटर, कैल्शियम क्लोराइड इज सॉलिड, इट विल स्प्लिट इन टू कैल्शियम पॉजिटिव एंड टू क्लोराइड आइंस, राइट, विद एंड दिस विल बी इन एन एक्वस मीडियम इनसाइड वाटर। सो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब मैंने जब शुरू में आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि आपने कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में लेना है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे
मसलन आपने NaCl को डिसॉल्व फॉर्म में लिया, वैसे तो NaCl होता है NaCl, बट वंस यू पुट इट इन वाटर इट बिकम्स Na प्लस एंड Cl माइनस, विच मीन्स सोल्यूशन के अंदर Na प्लस और Cl माइनस मौजूद होंगे. ठीक है, नाउ इफ यू ट्राई टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय पुटिंग लाइक दिस, इसका मतलब है आप यहां पे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं फिलहाल बात करने लगा हूं, दे स्टार्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, यहां से इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. नाउ वो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो Na प्लस के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, एंड इट विल, Na प्लस का मतलब था इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, सो इट विल गेट बैक इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Na, राइट. सो Na प्लस जो है वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और वो उसको डिपॉजिट कर देगा, और जो Cl माइनस है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन पूरी रखने के लिए वो क्या करेगा, इट विल चेंज इनटू Cl एंड साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले टर्मिनल से इधर जाएगा और यहां से ऊपर जाके बैटरी के अंदर वापस चला जाएगा, राइट. सो इस तरीके से कंडक्शन हो रही होती है. इस किस्म की कंडक्शन को भी कॉल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. You can see it is very much different from the metallic conduction which we talked about previously. There are some fundamental differences between metallic conduction and electrolytic conduction. I would use this chart for explaining the differences. The first one on the left is your metallic conductivity. And the second one is the electrolytic conductivity. Or ye conduction ki do types hain. मेटेलिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस हाउ इट हैपेंस, इस लेक्चर का स्टार्ट ही हमने यहां से लिया था. बट इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बाय मूवमेंट ऑफ आइंस. आइंस के मूव करने से, एज आई सेड बिफोर, यहां पे आपने देखा कि एक्चुअली आइंस मूव करके करंट को पास करवा रहे थे, राइट. सो करंट जो है वो आइंस की मोशन की वजह से यहां पे पास हो रहा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से पास हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस. देन नो केमिकल चेंज अकर्स इन मेटेलिक कंडक्शन. यू कैन गो अप एंड सी हियर, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे थे तो इन पॉजिटिव चार्जेस या आइंस की सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा था, या क्या ऐसा हो रहा था कि ये जो पूरा ओवरऑल मेटेलिक स्ट्रक्चर है जब करंट गुजरेगा तो ये बदल जाएगा. आप एक कॉपर की वायर लो, उसके अंदर से करंट गुजारो, तो क्या थोड़ी देर बाद वो कॉपर खराब हो जाएगा या किसी और चीज में चेंज हो जाएगा? No, nothing happens to the metallic structure. या metal जो है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, so no chemical change occurs. But if you look here, electrolytic conduction में chemical change आ जाता है. Ions are oxidized or reduced at the electrodes. I would use a dark color, black let's say. Ions are oxidized or reduced at the electrodes. As you saw here, मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो sodium है वो प्लस वन से Na जीरो के अंदर चेंज हो गया, यानी चार्ज रिड्यूस हो गया, चार्ज कम हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. और क्लोरीन माइनस वन से जीरो पे आ गया, यानी चार्ज एक इंक्रीज कर गया, यानी दिस वाज ऑक्सीडेशन. सो यू सॉ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, बट इन दिस वन देयर वाज नो केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस. सो दिस इज योर सेकेंड मेजर डिफरेंस, कि इसमें चेंज नहीं आ रहा और इसमें फर्क आ रहा है. द थर्ड डिफरेंस इज It does not involve transfer of any matter. Only the electrons are moving. Matter does not move. It involves the transfer of matter in the form of ions. इसमें ions actually move करते हैं. इसमें ions अपनी जगह पे रहते हैं, vibrate करते रहते हैं. Metallic structure में ions अपनी जगह पे रहते हैं. Ions तो इसमें भी होते हैं. जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको हम आइंस ही कहेंगे ना, लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं अपनी ही जगह के ऊपर और वो हिंडर कर रहे होते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से, और करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव हो रहा होता है. इसमें थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, इसमें जो एक्चुअली चार्जेस है ना वो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड वो जाके करंट पास करा रहे होते हैं. द फोर्थ डिफरेंस इज ओहम्स लॉ इज फॉलोड. एंड व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ इज वी इक्वल्स टू आई आर. इफ यू See in the second one also, Ohm's law is followed. Yani higher the voltage, higher the current, provided equivalent resistance is there. And resistance depends on the charges, right? Ye dono ka similar point ho gaya. The
Second last point is resistance increases with increase of temperature. Again, resistance जो है शुरू में मैंने बात की थी कि जितनी ज़्यादा temperature होगा उतनी ज़्यादा vibrations होंगी according to kinetic model. जितनी ज़्यादा vibrations होंगी उतना electrons को गुजरना मुश्किल होगा, ठीक है? So इस वजह से resistance बढ़ जाएगी. अलबत्ता इसके अंदर उल्ट हो रहा है. Resistance decreases with increase of temperature. Now why is this? Think about it. आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हुए हो, आप सेकंड फर्स्ट ईयर के ख़त्म करने वाले हो आप. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि रेजिस्टेंस कैसे कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से. यू नो अभी ऊपर हमने ये बात की थी कि मेटेलिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो होती कैसे है. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दो स्टेप्स में होती है. पहला स्टेप ये होता है कि आयनाइजेशन होती है, और दूसरा स्टेप ये होता है कि वो जो आइन्स हैं दे मूव फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड, राइट? अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाती है, एंड चूंकि हम ये सॉलिड के अंदर तो नहीं लिक्विड के अंदर करा रहे हैं ना, सो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगी. सॉलिड्स के अंदर तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, इसमें तो मोशन होती है, काइनेटिक एनर्जी कह लो, यानी मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे. इन द प्रेजेंट केस वी डोंट हैव मॉलिक्यूल्स, वी हैव आइंस, तो आइंस बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है? और इसी तरह अगर आपके पास कोई सॉलिड फॉर्म में आपने जो कोई सब्सटेंस डाला था वो फौरन आयनाइज होगा, ठीक है? तो चूंकि आयनाइजेशन का प्रोसेस भी तेज हो गया है, ठीक है, फास्ट आयनाइजेशन हो गई है, और दूसरा आइंस बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं आगे पीछे, तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी करंट पास हो जाएगा, ठीक है? ये उससे डिफरेंट है, उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, तो जब कोई आयन मूव करता था तो इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे उसकी वजह से. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, आयंस ही तो करंट गुजार रहे हैं, और आयंस जब तेज मूव करेंगे तो तेज करंट गुजारेंगे. सो दिस इज द रीजन जो यहां पे आपने फिनोमिना देखा कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, यानी करंट जल्दी गुजर जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, राइट? एंड द लास्ट डिफरेंस इज द फैराडे लॉ. फैराडे लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर फॉलो होता है और मेटेलिक कंडक्शन के अंदर नहीं फॉलो होता. फैराडे का लॉ जो था, मे बी यू हैव स्टडीड इट प्रीवियसली, बट फैराडे के एक्चुअली देर आर टू बेसिक लॉज. फैराडे वॉज अ साइंटिस्ट टू गेव टू टाइप्स ऑफ लॉज. एक तो उसने इंडक्शन के हवाले से दिए थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से, जो आप पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में. मैट्रिक के अंदर आपने थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी आप पार्ट टू के अंदर पढ़ोगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक फैराडे का लॉ होता है इलेक्ट्रोलिसिस का. वो फैराडे का लॉ ये कहता है कि जो आप दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हो ना विद इन एन इलेक्ट्रोलाइट, या आपने इलेक्ट्रोलाइट एक लिया हुआ है, एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए, तो जो मैटर जाके डिपॉजिट होना होता है किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको अगर आप M कह रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप पीछे से कितना चार्ज दे रहे हो, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज पर यूनिट मास, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एटम जो डिपॉजिट हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की बात कर रहे हो तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास होगा 23, राइट, डिवाइडेड बाय 1. और सो अगर चार्ज जितना आपने पीछे से दिया, चार्ज कैसे निकलता है, Q equals to IT से, ठीक है? So current जो आप पीछे से दे रहे हो into time करके आप charge निकाल लेते हो. So mass is directly proportional to Q and mass is directly proportional to जो molar mass. So mass becomes directly proportional to Q into molar mass divided by, हम valency को भी divide करते हैं, into a constant which is called Faraday's constant, और ये the denominator में आ जाता है, ठीक है? And ये equals to के sign में बदल जाता है. ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है ना, दिस इज एक्चुअली फॉलोड इन इलेक्ट्रोलिसिस. सो डेफिनेटली ये मेटेलिक कंडक्शन में अप्लाई हो ही नहीं सकती. सो फैराडे लॉ इज फॉलोड इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बट नॉट इन मेटेलिक कंडक्टिविटी. दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती किस तरीके से है, एंड हाउ इज इट प्राइमरीली, जो प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के फ्रॉम मेटेलिक कंडक्शन. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो बेसिक टाइप ऑफ सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसका आज इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरीके से काम करता है और किन चीज़ों के ऊपर
مختلف فینومینز ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ہم اسے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے.